पार्टी है, इट्स फॉर ऑल, इट्स फॉर एवरीवन। तो जहां हम लोग काम करने वाले हैं, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहां आप नीचे देख सकते हैं कि एमआईएम क्या है, बिल्ड पावर ऑफ यूनिटी। तो हमें वो जो पावर है यूनिटी का, वो एमआईएम पार्टी में एक साथ इकट्ठे काम करने का हर किसी को मौका मिलेगा, ये एमआईएम पार्टी है। और दूसरी बात, जब यहाँ जब अनाउंसमेंट हो गया है तो वाकई जो हमारे जो लोग हैं, जैसे कि जो अदर पार्टीज के जो लोग हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगी, जैसे अपना जो रिपब्लिकन सेना पार्टी हो गई है, वंचित की पार्टी हो गई है, उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैम मुझे ये क्या है, अपनी इतनी सारी पार्टियां होने के बावजूद अभी आपको यहाँ आना चाहिए था, तो आपकी शिरकत कहाँ आपने की। तो इस प्रश्न का जब उन्होंने ये जो प्रश्न मुझसे किए, तो मैंने उनको एक प्रश्न किया, बहुत ही सिंपल प्रश्न था मेरा। मैंने उनको कहा कि सर ये प्रश्न का उत्तर अगर आपने मुझे दे दिया तो डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट कि ये पार्टी में मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बट ये प्रश्न का उत्तर मुझे मिलना चाहिए। मेरा बहुत सिंपल प्रश्न था, मेरा प्रश्न था कि जो भी जितनी भी संघटनाएं, जितनी भी पार्टिकल जो पॉलिटिकल पार्टीज कहती है, हमारे समाज के जो बहुजन समाज के जो ऐसी पार्टीज जो कहती है कि हम ये पॉलिटिकल पार्टीज है, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस पार्टी, आई वांट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक ही प्रश्न किया था कि मुझे सिर्फ मोटो बता दो या ऑब्जेक्टिव बता दो, देन आई कैन थिंक कि मैं हाँ आऊं या ना आऊं। आंसर नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं मिला। अब मैंने रिटर्न में उनको बताया कि व्हाई एमआईएम, क्यों एमआईएम होना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात क्या है एमआईएम के पास में, आप में से कोई मुझे बता सकते हैं क्या है एमआईएम के पास में सबसे अच्छी बात? यस, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बात करते हैं, सही बात है ना। पर मेरे हिसाब से एमआईएम पार्टी का सबसे बेस्ट एंड सबसे पावरफुल जो है, दैट इज बैरिस्टर असद ओवैसी साहब। जब आप अपने लीडर की बात करते हैं, उस वक्त शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है जो अदर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को होती है। ये बात, ये जो फील है, हम जब खड़े होते हैं, मुझे आप ये पोस्ट के बाद में, मैंने जितने भी अफकोर्स मैंने कोई भी चीज को सोशलाइज नहीं की हूँ, क्योंकि मैं मेरी रणनीति जो है वो थोड़ा संगी वाले चुप चुप के काम करना है, दिखना नहीं है, बाद में ब्लास्ट करना है, इस हिसाब से। तो जब मेरी बातें जब ऐसे लोगों के साथ होती है, जैसे कि अभी 1 जनवरी के दिन ही मैं 16 PhD स्कॉलर के साथ में मेरी मीटिंग हुई है, दो स्टूडेंट हुआ डूइंग PhD, इन्होंने थीसिस सबमिट की है, और वो थीसिस जो अंबेडकर राइट्स एंड दलित मुस्लिम के ऊपर में PhD कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट के साथ। तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये बात बिल्कुल फुल एंड फाइनल अपने दिमाग में फिट करना है कि हमारे जो ऊपर है हम जिनका कार्य। और तीसरी बात, जब भी बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, उनकी बातों में कहीं भी नफरत वाला शब्द कभी नहीं सुनेंगे आप। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए। मैंने देखा है कि जितने भी जब बात करते हैं ना, अब हमें क्या करना है ना, देखिए मैं एक मतलब मुझे खुद ये फील कॉन्फिडेंटली आता है सर कि आने वाले दिनों में हमें किसी मोमिने को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई आइए और एमआईएम से जुड़िए। नो, उनको पता है, अभी आज नहीं पता चला तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि उनके पास एक ही लीडर है जो उनकी बात करते हैं। तो उनको नहीं, अब आपको क्या करना है, अब हमें मतलब हम सबको मिलके क्या करना है, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको यहाँ लाना है। अब उन्हें हम कैसे लेके आए, उन्हें लाने के लिए हम खुद को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम खुद को प्रिपेयर कैसे करेंगे, है ना, हम खुद को प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें अपने स्टडीज में
एमआईएम पार्टी के हर एक चीज को अच्छी तरह से समझना है, उसके मोटोज को अच्छी तरह से समझना है. एमआईएम पार्टी इज नॉट जस्ट फॉर द मुस्लिम, एमआईएम पार्टी इज जस्ट नॉट फॉर द दलित, एमआईएम पार्टी इज फॉर एवरीवन. जिन लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, जिन लोगों के ऊपर ये सभी आगे इसमें, क्योंकि यहाँ ऐसे ब्राह्मण भी जो अपने आप को ऊपर लेवल में कहते हैं, वो भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर उनके मतलब अत्याचार में उनको भी मतलब है थोड़ा ना थोड़ा उनके, तो उन लोगों के लिए भी है ये. अभी हमें उन लोगों को बताना पड़ेगा जो नॉन मुस्लिम्स हैं. अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें यही है कि हमें अपनी स्टडीज कितनी रखनी पड़ेगी. तो मैं तो अपने कार्यकर्ता को तो यही बोलूंगी कि हम जब भी हमारे असद साहब का स्पीचेस सुनते हैं तो अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं. अपने आप वो सारी चीजें जो बोलती ना कि चार्जर लगा दिया तो चार्जिंग फुल होगी एंड बस उस वक्त. पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब आप किसी नॉन मुस्लिम को कोई बात बताते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सबसे हमेशा याद रखना कि हमें हाइपर नहीं होना है. हाइपर नहीं होना है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करना है. जब हम वन टू वन बात करते हैं तो इससे थोड़ा इफेक्ट जो है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है. तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है भाई ये पार्टी अच्छी है मगर इसने तो अभी ऐसा ऐसा किया है, हालात क्या है, मतलब जो प्रेजेंट चल रहे, जैसे जीडीपी तो अभी पूरी खत्म ही हो गई है, जीडीपी का नामो निशान ही बिल्कुल डाउन हो गया है. तो ऐसे चीजों को लेके हमें अभी बात करना चाहिए, उन लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहिए. अगर हम डिस्कशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तभी उसका आउटपुट जो है वो बहुत अच्छा निकलता है. तो हमारे कार्यकर्ताओं को अभी जितने भी फ्रेंड सर्कल में है ट्राई करना पड़ेगा, जैसे कि मैं भी ट्राई कर रही हूँ. मैं अपने अभी सारे जितने भी आने वाले जो टीम्स हैं उसमें मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितने बड़े बड़े जो संगठन हैं, जैसे कि अभी एकीपीकी का भी जो अभी एक नया संगठन आया है उनके साथ भी मेरा मीटिंग होने वाला है. तो जितने लोग मुझे इसके लिए बुला रहे हैं कि आप मतलब क्यों इस पार्टी में, तो मैं बिल्कुल मौका नहीं छोड़ रही हूँ भाई आप इस पार्टी में क्यों आना चाहिए ये मैं उनको बता रही हूँ. उन्हीं के इन्विटेशन पे उन्हीं को वो बात बोलना है. तो ऐसा अभी हम सबको करना पड़ेगा. और साथ ही साथ आने वाला इलेक्शन जो है अभी कॉर्पोरेशन का, ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है. क्यों होने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो कॉर्पोरेशन है एमआईएम का जो हैदराबाद में जो हुआ था, तो हमने देखा कि क्या रंग था उस इलेक्शन का, यानी कि नगर निगम के इलेक्शन में. हम यहाँ पे कार्यकर्ता मेड़ावा में एकत्रित हुए हैं. कार्यकर्ता मेड़ावा मतलब जैसे हम सारे लोग आज यहाँ मजलिस के चाहने वाले यहाँ आके इकट्ठे जमा हुए हैं, तो सच में अब ऐसा लग रहा है कि ये एक दारुसलाम बन चुका है. मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. सबसे पहले तो ये पोस्ट मिलने से पहले मेरा जो सबसे पहले यहाँ जब इलेक्शन हुआ था 2019 में एमएलए का, उसके बाद जब मैं औरंगाबाद में मुझे बुलाया गया था और जब वहां पे एक स्वागत मेरा किया गया था अपने खासदार साहब इम्तियाज सर के साथ और जो पूरी टीम थी पश्चिम महाराष्ट्र की, तो उसी वक्त मुझे पश्चिम महाराष्ट्र के टीम में आने के लिए इनविटेशन मिला था. और उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ है कि मतलब मुझे अब मजलिस में कहीं ना कहीं तो मेरा नाम आने ही वाला है. तो आज जब ये अनाउंसमेंट हो गया है कि महिला विंग की एज अ महाराष्ट्र स्टेट सेक्रेटरी की जब पोजीशन मुझे मिली, तो मैंने भी उनको मतलब तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतनी बड़ी पोस्ट के साथ मुझे यहाँ आज आप सबके सामने खड़ा किया है. तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू AIMIM. इससे क्या साबित होता है, एक्चुअली मैं ये क्यों बता रही हूँ आप सबको, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे साबित क्या होता है, इससे साबित ये होता है कि जो MIM टीम है, जो MIM पार्टी है, इट्स फॉर ऑल, इट्स फॉर एवरीवन. तो जहां हम लोग काम करने वाले हैं, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहां आप नीचे देख सकते हैं कि MIM क्या है, बिल्ड पावर ऑफ यूनिटी. तो हमें वो जो पावर है यूनिटी का, वो MIM पार्टी में एक साथ इकट्ठे काम करने का हर किसी को मौका मिलेगा, ये MIM पार्टी है. और दूसरी बात,
जब यहाँ जब अनाउंसमेंट हो गया है तो वाकई जो हमारे जो लोग हैं, जैसे कि जो अदर पार्टीज के जो लोग हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगी, जैसे अपना जो रिपब्लिकन सेना पार्टी हो गई है, वंचित की पार्टी हो गई है, उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैम मुझे ये क्या है, अपनी इतनी सारी पार्टियां होने के बावजूद अभी आपको यहाँ आना चाहिए था, तो आपकी शिरकत कहाँ आपने की। तो इस प्रश्न का जब उन्होंने ये जो प्रश्न मुझसे किए, तो मैंने उनको एक